वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी कि डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बॉयज़ हॉस्टल में क्या रूल्स हैं, कैसे वहाँ पे एंट्री मिलती है और किस तरीके की सुविधाएं वहाँ पे हैं। तो मैंने जो लोग बॉयज़ हॉस्टल में रह चुके हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे बात करी और उनसे पता किया कि किस तरीके से वहाँ की सारी प्रोसीजर होती है, किस तरीके से वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उस आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो ऑलरेडी लोग वहाँ रह के आए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बॉयज़ हॉस्टल में किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है विश्वविद्यालय से रिलेटेड वो मैं इसी चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए, मैंने कुछ और भी वीडियोस डाले हैं, गर्ल्स हॉस्टल को लेके भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ आई बटन पे आप प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही मैं सीट्स कितनी है यूजी प्रोग्राम में, रिजर्वेशन कोटा क्या है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें उसको लेके भी टिप्स मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो हॉस्टल लिस्ट की अगर हम बात करें तो बॉयज हॉस्टल की 4 बिल्डिंग्स हैं टोटल। यूजी के लिए एक हॉस्टल है जिसका नाम है टैगोर हॉस्टल, जिसमें लगभग 200 सीट हैं। पीजी के लिए एक हॉस्टल है विवेकानंद हॉस्टल, यहाँ पे भी अप्रॉक्स 200 सीट्स अवेलेबल है। फिर एक स्पेशल हॉस्टल है जो यूनिवर्सिटी का नहीं है, एमपी गवर्नमेंट का है, जिसे हम कबीर हॉस्टल के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, तो यहाँ पे ये भी अलॉट किया जाता है। और रमन एंड भाभा हॉस्टल है जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे 25 से 50 सीट्स लगभग प्रेजेंट हैं। तो ये 4 हॉस्टल हैं बिल्डिंग जो कि बॉयज़ हॉस्टल के लिए बनी हुई हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो मेरिट बेस्ड ही होता है। जैसा एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए होंगे तो जो टॉप रैंकर्स होंगे सबसे पहले उनको प्रेफर किया जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि डिस्टेंस के बेसिस पे भी अलॉट होता है कि अगर आप बहुत कहीं दूर से हैं तो आपको पहले दिया जाएगा, दूर वाले बच्चों के लिए हॉस्टल पहले अलॉट किया जाएगा, जो थोड़े पास वाले बच्चे हैं उनको बाद में अलॉट किया जाएगा। तो एक चीज़ ये होती है। और सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म होगा तो आपसे हॉस्टल खाली करवा लिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी मार्कशीट चेक की जाएगी, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, अगर आपको बैक नहीं है तभी आपको फिर से हॉस्टल अलॉट होगा। सेम प्रोसीजर थर्ड ईयर में होती है। फॉर्म जो है वो आपको तीनों साल सेपरेटली फिल करने पड़ेंगे हॉस्टल के लिए। इसके बाद में फी स्ट्रक्चर क्या है, तो वही आपका पर सेमेस्टर 1200 से 1300 रुपए लगता है, इतना ही अप्रोक्स लगेगा पूरे 6 महीने का। और 2000 रुपीज़ पर मंथ मैस चार्ज लगेगा, हर महीने आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको चारों हॉस्टल बताए थे, उन चारों हॉस्टल में से मैस जो है वो चेंज होती रहती है। जिस भी हॉस्टल में मैस होगी तो सारे लड़कों को उधर ही जाके उसी मैस में जाके खाना खाना पड़ेगा। और फीस जो है वो 6 महीने की फिल की जाएगी। मैस चार्जेस जो है वो आप पर मंथ पे कर सकते हैं। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम की मील मिलेगी, 4 टाइम की नहीं मिलेगी। कैंपस में वाईफाई अवेलेबल है, इंडोर मैस है मैंने जैसा बताया, टीवी रूम भी है, रूम सर्विस है, प्रॉपर क्लीनिंग जो है वो की जाती है, फैंस बेड ये सब अवेलेबल है, इंडक्शन भी अवेलेबल है, इंडक्शन रूम होता है एक, वहाँ पे इंडक्शन अवेलेबल है। तो आप कुछ भी कुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में वॉशरूम्स, कॉमन वॉशरूम्स हैं। तो वॉशरूम्स जैसा लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होती हैं, बट ठीक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। इसके बाद में पार्क है, प्लेग्राउंड है और एक हनुमान मंदिर भी वहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद में मेस फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो 2 टाइम की मील मिलती है, सिर्फ लंच और डिनर मिलता है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट या फिर डिनर, ब्रेकफास्ट या फिर रिफ्रेशमेंट, डिनर मिलेगा, रिफ्रेशमेंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सुबह का खाना और रात का खाना आपको मिलेगा। और मान लीजिए कि फास्ट डेज है तो उसमें आपको ऐसी कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाती है कि आपको जो फलाहार है वो मिल जाए या जो जैन बच्चे हैं उनको अलग से खाना मिल जाए। तो बॉयज़ हॉस्टल में ऐसी फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी तो है,
तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैं इसको लेके थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद में हॉस्टल विजिट कौन कर सकता है, तो पेरेंट्स विजिट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बट ओनली मेल फ्रेंड्स ही बॉयज़ हॉस्टल में एंटर कर सकते हैं, और हॉस्टल के अंदर आउटसाइडर्स स्टे नहीं करते हैं। एक कार्ड बनता है, जो भी हॉस्टलर होते हैं तो वो कार्ड दिखा के आप अंदर एंटर कर सकते हैं, उसके अलावा आउटसाइडर्स अंदर स्टे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कितने बजे तक हॉस्टल के अंदर एंट्री की जा सकती है, तो 10 बजे तक एंट्री की जा सकती है, और स्पेशल परमिशन लेके आप ज़्यादा भी स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 बजे तक का टाइम है, रात में 10 बजे के पहले आपको हॉस्टल में एंटर करना है। इसके बाद में क्या रूल्स है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो बाहर आप देख सकते हैं, हॉस्टल के बाहर जब भी आप जाएंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप उस बोर्ड में रूल्स पढ़ लीजिए। वो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि आउटसाइडर्स नहीं है अलाउड, नॉन वेज अलाउड नहीं है, सिंगल रूम नहीं मिलेगा यूजी और पीजी दोनों के लिए, ड्रग्स एल्कोहल स्मोकिंग तो पूरी तरीके से वर्जित है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और भी काफ़ी सारे रूल्स हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो लीनियंसी है बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में कंपैरिजन में काफ़ी लीनियंसी है, तो आप लोगों को वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेस को लेके डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लोगों ने बताया आपको 2 टाइम का खाना मिलेगा, उसके आगे पीछे नहीं मिलेगा, तो आपको उस हिसाब से अपना मैनेज करना पड़ेगा। रेस्ट जो है आप यहाँ पे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आप आसानी से रह सकते हैं। और वाटर कूलर्स भी प्रेजेंट हैं, तो उस तरीके की सुविधाएं हैं, आप चाहें तो आप जाके हॉस्टल देख सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बॉयज़ हॉस्टल में रहना है या फिर नहीं रहना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस बहुत जल्दी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।